वालेकुम दोस्तों, खुश आमदेद आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड उर्दू में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के उर्दू चैप्टर 1 पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना आए और एग्ज़ाम में आप अच्छे अच्छे अच्छा नंबर ला सकें। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आइए हम अपने कीमती वक्त को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। चैप्टर 6 का टॉपिक है दोस्तों बागो बहार दास्तान। इसका पहला सवाल है किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है। किस्से आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है। ए नंबर में फसाने अजायब, बी नंबर बागो बहार, सी नंबर सबरस और डी नंबर आरइस। आंसर है दोस्तों बी नंबर बागो बहार का। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। ए नंबर में है कोलकाता, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर हैदराबाद, डी नंबर रामपुर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर कोलकाता में। अगला प्रश्न है किस सन्फ में माफ़ुकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई है। ए नंबर में है दास्तान, बी नंबर इंशाया, सी नंबर अफसाना और डी नंबर नावल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दास्तान में। अगला प्रश्न है मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मनसूब है। ए नंबर में फसाने अजायब, बी नंबर बागो बहार, सी नंबर किस्सा चहार दरवेश, डी नंबर आरआई से महफिल। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बागो बहार। अगला प्रश्न है बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। ए नंबर में दोस्तों 4, बी नंबर 3, सी नंबर 2 और डी नंबर 1। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 4 दरवेश का। अगला सवाल है बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है। ए नंबर में नावल, बी नंबर दास्तान, सी नंबर अफसाना और डी नंबर इंशाया। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर दास्तान में, दास्तान का सिनफ है। अगला सवाल है बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। ए नंबर में चीन, बी नंबर अरब, सी नंबर तुर्की और डी नंबर हिंदुस्तान। सही आंसर दोस्तों डी नंबर हिंदुस्तान से। अगला प्रश्न है मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। ए नंबर में दोस्तों दोस्ती का, बी नंबर भाई का, सी नंबर बाप बेटे का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दोस्ती का। अगला सवाल है शामिल निसाब इकतबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। ए नंबर चौथे दरवेश की, बी नंबर तीसरे दरवेश की, सी नंबर दूसरे दरवेश की और डी नंबर पहले दरवेश की। सही आंसर दोस्तों ए नंबर चौथे दरवेश की। अगला सवाल है बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है। ए नंबर में लखनऊ स्कूल, बी नंबर दिल्ली स्कूल, सी नंबर फोर्ट विलियम कॉलेज और डी नंबर दारुल तर्जुमा। सही आंसर दोस्तों सी नंबर फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला प्रश्न है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। ए नंबर में ख्वाबो ख्याल, बी नंबर गंज खूबी, सी नंबर नौ तर्ज मरस और डी नंबर फसाने अजायब। सही आंसर दोस्तों बी नंबर वन जखूबी। अगला सवाल है बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। ए नंबर में किससे चार दरवेश, बी नंबर गुलजार नसीम, सी नंबर गुलिस्तान, डी नंबर नौ तर्ज मरस। सही आंसर दोस्तों ए नंबर किससे चार दरवेश से। अगला प्रश्न है मीर अमन का तखल्लुस क्या था। ए नंबर में है लुत्फ, बी नंबर इनशा, सी नंबर अफसोस, डी नंबर अमान। सही आंसर दोस्तों ए नंबर लुत्फ से। अगला सवाल है बागो बहार किस सिने में लिखी गई। ए नंबर में है 1901 ईस्वी में, बी नंबर 1881 ईस्वी में, सी नंबर 1880 ईस्वी में, डी नंबर 1850 ईस्वी में। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। ए नंबर मीर हसन, बी नंबर मीर अमन, सी नंबर मीर अहसर, डी नंबर मोहम्मद हसन आज़ाद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर मीर अमन से ने लिखी तसनीफ है, मीर अमन साहब की तसनीफ है। अगला प्रश्न है फंक्शन की सबसे मुख्तसर सन्फ किसे कहते हैं। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सन्फ किसे कहते हैं। ए नंबर में दोस्तों नावल, बी नंबर अफसाना, सी नंबर दास्तान और डी नंबर ड्रामा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अफसाना। अगला सवाल है किस्सा गोई के कदीम नसरी सन्फ को क्या कहते हैं। ए नंबर में है दास्तान, बी नंबर नावल, सी नंबर अफसाना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दास्तान से। अगला सवाल है उर्दू की पहली अरबी दास्तान की निशानदही कीजिए। ए नंबर में फसाने अजायब, बी नंबर बागो बहार, सी नंबर सबरस और डी नंबर फसाने आज़ाद। सही आंसर दोस्तों सी नंबर सबरस। अगला प्रश्न है दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन हैं। ए नंबर में है वली दखनी, बी नंबर मुल्ला वजी, सी नंबर रतन नाथ सरसार, डी नंबर रजब अली बेग। सही आंसर दोस्तों बी नंबर मुल्ला वजी मुसन्निफ हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है।
ए नंबर गुलिस्तान, बी नंबर सियासतनामा, सी नंबर बोस्तानी ख्याल और डी नंबर अखलाक महसिनी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर अखलाक महसिनी। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपया माहाना पर हुई। सही ए नंबर में दोस्तों 30, बी नंबर 40, सी नंबर 45 और डी नंबर 50। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 40 रुपये में आपकी तनख्वाह हुई। अगला सवाल है, दिल्ली में अहमद शाहब्दारी के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली। ए नंबर पूरनमल, बी नंबर सूरज मल जाट, सी नंबर घूरनमल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सूरज मल जाट। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी। वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी। ए नंबर में दोस्तों दाऊदी सुरमा, बी नंबर सुलेमानी सुरमा, सी नंबर याकूबी सुरमा, डी नंबर दास्तानी सुरमा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सुलेमानी सुरमा। दोस्तों ये था ट्वेल्थ इंटर एग्जाम ट्वेल्थ क्लास उर्दू के चैप्टर 1 पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव सॉलो जॉब। तो दोस्तों आज आप इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।